सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यहाँ जूनागढ़ में 5 दिन से भगवान भागवत जी की हम कथा कर रहे हैं। यहाँ सब जो पब्लिक है वो हमें पहले से ही बहुत भाती है और हम पहले से यहाँ से ही है हम भी, और अभी हाल हमारा वैसा ले लेना, और हमारा नाम है सागर भाई शास्त्री जी, और हमारी कथा भी यूट्यूब पे आती है सागर भाई शास्त्री जी नाम करके, और भगवत कथा जो हम करते हैं उसमें भगवान के 24 अवतार की कथा है, भगवान राम की कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है। तो जब व्यास जी ये सब ग्रंथ लिख रहे थे तो रामायण लिखी, राम कथा लिखी, तो सब लोग कहने लगे कि ये लिखना आसान है जीना नहीं। तो भगवान राम ने जी के दिखाया कि देखो ये जीना भी उतना ही सरल है जितना लिखा है। तो जीवन जीना है तो भगवान प्रभु राम के जीवन से आप ले सकते हो, और जीवन में कुछ करना है तो भगवान कृष्ण के जीवन से आप ले सकते हो। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, भगवान कहाँ थे और कहाँ गए, कहाँ द्वारका के राजा बने, तो वो जीवन पर्यंत भगवान को खुद को जन्म लेना पड़ा जेल के अंदर, लेकिन गोकुल वृंदावन मथुरा सब जगह पे रहे और लास्ट में हमारे गुजरात में आए। बाद में 100 साल तक यहाँ ही राज्य किया और यहाँ ही रहे। और ये जूनागढ़ इतनी पावन धरती है, गिरनार के दर्शन करने से ही सब पाप मुक्त होती है, तो यहाँ तो ये जमीन ही इतनी पवित्र है, वहां पे भागवत कथा हम कर रहे हैं। तो भगवान की 24 अवतार की कथा सुनने से इंसान जो जीता है जिंदा है उसकी तो मुक्ति होती है, लेकिन जो चला गया, हमारा एक हिंदू धर्म ही ऐसा है कि हमारे पितृ चले जाने के बाद, हमारे इंसान चले जाने के बाद भी हम उसके पीछे कुछ अच्छा कर्म करते हैं, उसके पीछे अच्छा दान पुण्य करते हैं, पिंडदान वगैरह करते हैं। तो ये भागवत कथा ऐसी चीज है कि 7 दिन तक उसे सुनो तो आपको कैसे जीना है वो भी वो सिखा देगी, और कैसे मरना है वो भी वो सिखा देगी। तो हम यहां से एक ही निवेदन करेंगे आप सबको कि आपके संतान को आप लेके जाओ, कभी भी आप कथा में जाओ, राम कथा में जाओ, कृष्ण कथा में जाओ, भागवत कथा में जाओ, आप सब अपने परिवार को साथ में लेके जाओ। जैसे हम मूवी देखने वगैरह जाते हैं तो परिवार को लेके जाते हैं ना, तो वैसे ही आप जब कथा में कोई जाओ तो परिवार को साथ में लेके जाओ, तो आपके संतानों में संस्कार रहेंगे, तो आपको जितनी वो इज्जत चाहिए संतान से वो आपको मिलेगी, वो आपको चरण पड़ेगी। अभी के बालक को हम पैर पढ़ना बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, दूर से बोल देंगे जय श्री कृष्ण बाबा। अरे उसको सिखाओ कि पूरे जो अंगूठा पैर का है वो पकड़ के शरण नमस्कार किया जाता है, वो पूरा नमन करके नमस्कार किया जाता है, वो आप खुद सिखाओ। तो बाहर छोटे छोटे बच्चे होंगे तब उसको आदत पड़ जाएगी कि मंदिर जाना है, भगवान की पूजा करनी है, तो बड़ा होके भी यही काम करेगा। तो अपने संतान को भी ये भागवत कथा में आप लेके चले जाइए और सुनाइए कि ये कथा क्या है, कथा का महिमा क्या है। बस इतना ही हम कहेंगे कि भागवत कथा सुनिए और अच्छे अच्छे संस्कार रखिए, आपके संतान में अच्छे संस्कार हो गए तो कभी भी आपको वृद्धाश्रम या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधे कृष्ण, राधे राधे।